हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश का पोयम 1, दैट इज डस्ट ऑफ स्नो। दिस पोयम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं, बिकॉज हियर इज अ टिप। अगर कोई हाई मार्किंग क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो अगर आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग में कि वो पोयम किसने लिखी है, उस पोइट के बारे में थोड़ा सा बता दो, या फिर उस पोयम का सेंट्रलाइज्ड आइडिया क्या है, अगर आप ये भी ऐड करते हो तो मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोएट बोर्न इन सैन फ्रांसिस्को, हु वॉज वेल नोन फॉर हिज नेचर बेस्ड पोएम। हिज लव फॉर नेचर शोड इन हिज एवरी पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे जिनका जन्म हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, और उन्हें ज़्यादा जाना जाता था अपनी नेचर बेस्ड पोएम के कारण, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट सारी पोएम्स थी जो नेचर पे बेस्ड रहती थी, और उनका जो नेचर के प्रति अफेक्शन था वो उनकी पोएम से क्लियरली दिखता था। इट इज़ सेड दैट इफ देयर वॉज अ पोस्ट ऑफ नेशनल पोएट इन अमेरिका, इट मस्ट हैव बीन गिवन टू हिम। ऐसा कहा जाता है कि अगर अमेरिका में कोई राष्ट्रीय पोएट या नेशनल पोएट की कोई पोस्ट होता तो वो इन्हें ही मिलता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द समरी। दिस पोएम शोज दैट हाउ अ मियर इंसिडेंट कैन लिट अप वन्स मूड। इस पोएम का बेसिकली सेंट्रल आइडिया क्या है कि कैसे छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं वो कैसे किसी का मूड ठीक कर देते हैं या कैसे किसी के मूड को अच्छा बना देते हैं। Once the poet was having a bad day and was extremely sad. एक बार की बात इस पोएम में बताई जा रही है कि जब पोएट एक बहुत बुरा दिन गुजर रहा था और वो बहुत ज़्यादा सैड थे। He was sitting under the hemlock tree and suddenly a crow sitting on the tree shakes the tree and the fine particles of snow falls on the poet. एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ का नाम बताया गया है हेमलॉक ट्री। ये एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे वो पेड़ के नीचे बैठे थे तो अचानक से एक क्रो जो बैठा हुआ था ट्री के ऊपर, उसने थोड़ा सा अपने आप को झटका या ट्री को थोड़ा सा शेक किया, तो जिससे स्नो के जो टुकड़े थे वो पोएट के ऊपर गिर गए। द टच ऑफ द स्नो लिट अप पोएट्स मूड, इट गिव्स हिज हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड पॉजिटिविटी फिल्स द पोएट। अब ये जो स्नो के पार्टिकल्स उनके उन पोएट के ऊपर गिरते हैं तो उनका मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये छोटा सा इंसिडेंट उनके हार्ट में एक पॉजिटिविटी, उनके अंदर बहुत पॉजिटिविटी फिल कर देता है और उनका मूड अच्छा हो जाता है। एंड ही रिलीव्स दैट ही सेव्स सम पार्ट ऑफ द डे दैट ही हैड रूम्ड। और वो ये जान के थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने बाकी ऐसे तो बुरे मन के साथ पूरा दिन गुजार लिया था, लेकिन जो बचा हुआ दिन है वो उन्होंने अपना मूड अच्छा कर दिया और उस बचे हुए दिन को वो अच्छी तरह से गुजार पाएंगे। So this was the summary. If you liked the video, please share and subscribe. Thank you so much.